हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो आज मैं आपके लिए चटाकेदार पानी पूरी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि एकदम परफेक्ट तरीके से मैं बना के आपको दिखाऊंगी। तो मैं ले ली हूँ 1 कप मोटा वाला सूजी, और जितना सूजी मैं ली हूँ उतना ही बराबर से मैं इसमें डालूंगी गेहूँ का आटा। जो हम लोग घर में रोटी बनाते हैं वही आटा है। इससे बना के गोलगप्पा देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी बन के तैयार होगा। तो जितना सूजी लीजिए उतना ही इसके साथ आटा भी डालना होता है। और इसमें नमक नहीं डालूंगी, ना ही कोई मोयन डालूंगी, जैसे कि रिफाइंड तेल या घी कुछ भी नहीं डालना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है पहले सूजी और आटे को एक साथ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप इस तरह से गोलगप्पे बनाएंगे घर में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, पानी ठंडा जैसा हम लोग पानी पीते हैं बस वही पानी है, तो मैं यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं की हूँ। और एकदम थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा मारते हुए इस आटा को लगा लूँगी। तो आटा अभी यहाँ पर ज़्यादा आपको गीला नहीं करना है, यदि आटा ज़्यादा गीला हो गया तो ये गोलगप्पा बनेगा ही नहीं, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से लगातार मिलाते हुए इकट्ठा कर रही हूँ सारे आटे को। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं कोई भी रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो को देखें, हमें सपोर्ट करें। तो इस तरह से मैं सारे आटे को एक जगह इकट्ठा कर ली हूँ, और आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि आटा कितना कड़ा है। और लगाने के बाद आटे को मैं एक छोटा सा रुमाल को भिंगा के उसमें आटा को डाल के और ढक के छोड़ दी हूँ। तो अब मैं पानी बनाने का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो मैं ली हूँ 1 बड़ा चम्मच जीरा, और इसे अच्छे से भूनूंगी आटा को। जब आप ढकेंगे तो पानी से कपड़े को भिंगा के और एकदम अच्छा से निचोड़ के पानी, उसके बाद आप उस कपड़ा में आटा को लपेट के और रहने दीजिएगा 10 मिनट। ज़्यादा टाइम उसे नहीं छोड़ना है, मात्र 10 मिनट, जिससे कि सूजी फूल जाए। तो मैं जीरा को भून ले रही हूँ। मैं आपको घर के ही सामानों से बना के दिखाती हूँ चटाकेदार मसालेदार पानी पूरी। तो जीरा भुन चुका है फ्रेंड्स, तो इसे मैं डाल दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसे मैं पीस लूँगी बेलन के सहायते से। इस तरह से आप कीजिएगा तो ये आराम से इसका पाउडर तैयार हो जाता है। तो इसे दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो मैं जीरे को पीस ली हूँ भूनने के बाद। तो चलिए अब पानी बना के दिखाती हूँ। तो पानी बनाने के लिए ले ली हूँ बड़ा बर्तन, और इसमें डाल दी हूँ 1/2 लीटर करीब पानी। यदि आप तुरंत खाना चाहते हैं तो पानी ठंडा फ्रिज का ले सकते हैं, और पूरी तलते वक्त यदि पानी आप ठंडा नहीं ले रहे हैं तो इस पानी को बना के फ्रिज में डाल दें, जब तक पूरी फ्राई कीजिएगा पानी ठंडा हो जाएगा। और इसमें डाल दी हूँ जीरा जो मैं भून के कूट के रखी थी, और इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच रेगुलर नमक जो हम लोग खाना में इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ ही डाल दूंगी चाट मसाला 2 चम्मच। 1 चम्मच भर के डालूंगी काला नमक। तो नमक आप पानी टेस्ट करके सही मात्रा में डाल दीजिएगा फ्रेंड्स, कम या ज़्यादा लगे तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसमें डाल दे रही हूँ 1 पिंच हींग। हींग ज़रूर डालिएगा, इससे पचने में भी आसानी होगा पानी पूरी, और इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये मैं ली हूँ पुदीना का सूखा पत्ता, मैं पुदीने को सूखा के रख ली हूँ और इसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसे क्रश करके मैं इस पानी में डाल दूँगी। यदि आपके पास फ्रेश पुदीना और धनिया है तो आप उसे चटनी के जैसा पीस के और इस पानी में मिला सकते हैं। और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, जिससे कि पानी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और हल्का सा तीखा होगा। और इसे और भी तीखा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो हरी मिर्ची को पीस के डाल सकते हैं, आप इस पानी में हरी मिर्ची काट के भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, आपको जैसा पानी बनाना है आप बना सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी इमली का पल्प,
तो इमली को मैं अच्छे से फूलने के लिए डाल दी थी। यदि कम समय है तो आप इमली को गर्म पानी में डाल दें, तुरंत फूल के तैयार हो जाएगा। और इसमें इतना करके मैं 2 चम्मच डाल दूंगी, बड़े चम्मच से, तो इसे छन्नी पे डाल के छान के डालूंगी, जिससे कि इसमें कोई वो छिलका इमली का रहता है कड़ा कड़ा सा, वो छन जाएगा अच्छे से। तो इसमें डालने के बाद मैं इसे टेस्ट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, इसमें मैं डाली हूँ 1 चम्मच चीनी, जो कि मैं वीडियो में दिखा नहीं पाई किसी कारणवश से। उस जब मैं चीनी डाली तो वहाँ का वीडियो शूट नहीं हो पाया फ्रेंड्स, तो मैं इसमें डाल दी हूँ 1 चम्मच चीनी, जिससे कि खट्टा मीठा तीखा पानी बन के तैयार होगा। तो इस पानी को मैं फ्रिज में डाल दी हूँ। अब आटा का भी हो चुका है 10 मिनट रखे हुए, तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि अभी भी ये काफ़ी टाइट है और सूजी फूल चुका है। तो इसे अच्छे से मल लूँगी एक बार दो बार अच्छे से इसे इस तरह से, तो इसे अच्छे से 5 मिनट तक अच्छे से इसे मल लेना है, जिससे कि इसका जब भी पूरी बनाओ तो एकदम फुला फुला सा बने। तो अब इस तरह से रोल कर ले रही हूँ, छोटा छोटा सा लोई लेके, और एकदम छोटा छोटा सा इसका इस तरह से गोल गोल गोली के जैसा काट लेना है। तो इसका साइज छोटा ही रखिएगा। और मैं डाल दे रही हूँ कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए। अभी मैं तेल को हाई फ्लेम पर अच्छा से गर्म करूँगी। जब इसमें पूरी तलूँगी गोलगप्पे का, तो एकदम तेल एकदम बहुत गर्म होना चाहिए, तेल से हल्का सा धुआं आना चाहिए, तभी गोलगप्पा अच्छा से फूल के तैयार होगा। तो मैं सारे को पहले इस तरह से लोई काट के तैयार कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, इतना इजी रेसिपी है कि आप इसे पूरा अच्छे से वीडियो देख के बनाएंगे तो एकदम बन भी बहुत कम समय में जाता है, और सामान भी आपको कुछ भी लाना नहीं है। तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दी हूँ रिफाइंड, और रिफाइंड डाल के अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और इसे डाल दूँगी एक बर्तन में। और सारे लोई को मैं वही कपड़ा से, भींगा हुआ कपड़ा से ढक के रखूँगी। ध्यान रखिएगा कि कपड़ा ज़्यादा एकदम गीला ना हो, एकदम निचोड़ के कपड़ा, उसके बाद आप इस लोई को ढकिएगा। अब इसका मैं पूरी बना लूँगी, तो इस तरह से अंगूठे से दबा के और इसका पूरी बेल लूँगी छोटा छोटा सा। तो इस तरह से मैं छोटा छोटा सा सारा पूरी को बेल के तैयार कर लूँगी। और पूरी को ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो पूरी आप देख पा रहे होंगे कि पूरी को मैं कितना मोटा रखी हूँ और कितना पतला रखी हूँ। तो इसी तरह से सारी पूरी को बना के तैयार कर ले रही हूँ। और इसे पॉलीथीन शीट पे डालती जाऊंगी। फ्रेंड्स, आप ऐसे बेल नहीं पाएंगे, तो इस तरह से बड़ा सा एक रोटी बना ले, और उसे किसी ढक्कन से या कुकी कटर से आप इस तरह से कट करके भी तैयार कर सकते हैं। तो सारी पूरी को बना के मैं तैयार कर ली हूँ, और तेल अच्छा गर्म है, तेल एकदम अच्छा सा हीट होना चाहिए, नहीं तो पूरी फूलेगा नहीं। अब मैं एक एक करके इसमें पूरी डालती जाऊँगी, और देखिएगा कि पूरी कितना अच्छा से फूल के तैयार होगा। तो जब एक फूल जाए तो फिर इसमें दूसरा डालूंगी, क्योंकि कढ़ाई छोटा है, यदि कढ़ाई बड़ा रहेगा तो एक बार में 4-5 भी डाला जा सकता है। तो इस तरह से उसके ऊपर गरम तेल डालते रहिए पूरी के ऊपर, और ये आसानी से फूल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ही मत छोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स, जब नोटिफिकेशन जाए तो वीडियो भी देखा कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको बहुत ही इजी तरीके से बनाए जाने वाली रेसिपी की वीडियो मिलेगी, जो कि घर के ही सामानों से बना के आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है। मैं ऐसा ही रेसिपी लेके आप लोगों के लिए आती हूँ।
तो फ्रेंड्स सारे गोलगप्पे तल के तैयार है और देख पा रहे होंगे कि कितना करारा बना है। तो एक मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ, तो देख पा रहे होंगे कितना करारा बना है फ्रेंड्स। तो इसी तरह आप भी बनाइएगा। तो चलिए अब मैं पानी डाल के आपको सर्व कर देती हूँ आपके लिए। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जितना है खा ले गोलगप्पा, संडे स्पेशल गोलगप्पा लेके आई हूँ मैं। तो इस तरह से मैं पानी डाल लूँगी और इसमें आप चाहें तो आलू का मसाला भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता तो मैं सिर्फ आपको पानी और गोलगप्पा बना के दिखाई हूँ, मसाला आप बना के डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।